सारूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ खुसखुस उपमा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है और ये साउथ अफ्रीकन सेमोलिना है जो हर जगह आसानी से मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने की रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं उपमा बनाने की रेसिपी। 2 से 3 चम्मच ऑयल। खुसखुस उपमा बनाने के लिए 1 कप खुसखुस, जिसको कि मैंने आधे घंटे पहले 3-4 बार वॉश कर भिगो कर रख दिया है। 2 बारीक कटी हुई प्याज, 2 कटे हुए टमाटर, 1 कप मटर, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड या सरसों, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 8 से 10 कलियां कटी हुई लहसुन की, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, जिसको कि कद्दूकस कर लिया है, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 4 से 5 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। अब हम गैस ऑन करेंगे, उस पर पैन रखकर उसमें तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें जीरा और सरसों डाल देंगे। जब ये दोनों भुन जाएंगे तब हम उसमें लहसुन और अदरक डालेंगे और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। गैस को हम धीमा ही रखेंगे, जिससे कि हमारा लहसुन और अदरक जले नहीं। अब ये फ्राई हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को भी हम थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। अब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिक्स कर देंगे। करछली की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाएंगे, जिससे कि हमारे मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। इसमें अब हम मटर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। इसमें हम लगभग 2 चुटकी नमक ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और तब तक हम वेट करेंगे जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाएं। नमक डालने से टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें भीगी हुई खुसखुस ऐड कर देंगे। खुसखुस की एक क्वालिटी होती है कि जितनी आप खुसखुस भिगोएंगे उसकी जस्ट डबल हो जाएगी भीगने के बाद, तो आप उसी हिसाब से खुसखुस को भिगोएं। खुसखुस को ऐड करने के बाद हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और हम इसको अच्छे से करछली की सहायता से चला लेंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक मिला देंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको खुला ही 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि हमारा पानी सूख जाएगा और खुसखुस एकदम खिली खिली बनेगी। अब खुसखुस में जो हमने पानी डाला था वो सूख गया है और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर देंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती हम बचा लेंगे, जिसको कि हम परोसते टाइम ऊपर से गार्निश करेंगे। इसको एक बार मिक्स कर देंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारा कुसकुस उपमा बनकर तैयार है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, ये सभी को बहुत पसंद आती है। इसको आप ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के टाइम बना सकते हैं और ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आता है। एक बार मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।